हेलो दोस्तों, मैं शिष्ट साहित्य का सीरीज को कवर कर रहा हूँ जो कि जेएसएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग राइटर की जीवनी के बारे में पढ़ रहे हैं, पर तो बहुत सारे बुक्स हैं जिनके राइटर और वो कब लिखा गया ये जानना काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग 20 बुक्स के बारे में जानेंगे और उनके राइटर और कब लिखा गया है ये भी जानेंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ अर्जुन लकड़ा और मैं इसी तरह का आप लोगों के लिए खुद का नया नया वीडियो लेकर आते रहता हूँ। और फिलहाल हम लोग जेएसएससी का सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आप इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन का बेल आइकन आप लोग नहीं दबाएंगे तो आप लोगों को मेरा वीडियो इंस्टेंटली नहीं मिलेगा। जब भी पब्लिश होगा तो वीडियो छूट सकता है। और अंत तक देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अकेले अकेले मत पढ़िएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, उनको भी मदद मिलेगा। और आप फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और उसके अलावा अगर आप लोग मुझे कुछ पर्सनल ओपिनियन, कुछ पर्सनल सजेशन देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां डायरेक्टली आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और आप लोग कहां कहां से जुड़े हैं ये भी जानना मुझे काफी अच्छा लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसका टॉपिक मैंने दे रखा है खुड़ुक कथपंडी कुंडी। इसका मतलब क्या होता है? खुड़ुक साहित्य, है ना। खुड़ुक का मतलब तो खुड़ुक ही है और कथपंडी का मतलब साहित्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग सारा बुक और उसका राइटर और कब पब्लिश हुआ था वो बुक, ये सारा चीज देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहला बुक है खुड़ुक बेंजा डंडी, ये बुक का नाम है। ये कब लिखा गया था? 1952 ईस्वी में। और इनके राइटर कौन थे? बिहारी लकड़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट बुक कौन सा है हमारे पास? खुड़ुक नायगस। इनको किसने लिखा था? शांति पीपी बाखला, है ना। तो इस फॉर्म में भी दे सकता है, और पीपी का फुल फॉर्म यहाँ पे है शांति प्रकाश प्रवल बाखला, है ना। तो पूरा नाम भी दे सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, है ना। तो इस तरह से मैंने लिख रखा है। एक और बुक आएगा वहां पे उसके राइटर भी यही है, तो वहां पे मैंने पूरा नाम भी दे रखा है। ये कब लिखा गया था? 1952 में, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। और तीसरा है हमारे पास कथारा कथा बिल्ली ईदू, ठीक है, ये बुक का नाम है। और इसको लिखा था मिखाइल दिग्गा ने 1952 में, ठीक है, कथारा कथा बिल्ली ईदू। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास एन इंग्लिश उराव डिक्शनरी, ठीक है। ऐसे देवनागरी में पढ़ने में अजीब लगता है इंग्लिश वर्ड को, पर एग्जाम में इसी तरह से लिखा हुआ रहेगा, तो इसी तरह से आप लोगों को देखने का आदत डालना है। एन इंग्लिश उराव डिक्शनरी, इसको किसने लिखा था? सी ब्लेसस ने, है ना, सी ब्लेसस ने, कब? 1956 में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट उराव भाषा और साहित्य, इसको किसने लिखा था? जगदीश त्रेगु नायत, अजीब सा नाम है पर याद रखना है, ठीक है, त्रेगु नायत, कब लिखा था? 1958 में, उराव भाषा और साहित्य। अब नेक्स्ट है हमारे पास खुड़ुक सैनिका खोर, ठीक है, इसको किसने लिखा था? शांति प्रकाश प्रवल बाखला, ये वही है जिसको मैंने शांति पीपी बाखला लिखा था ना तीसरे नंबर पे, आप लोग जाके देख सकते हैं, ये वाला सेम राइटर है, सॉरी दूसरे नंबर पे ये वाला। तो कहीं कहीं पे इस तरह से लिखा हुआ रहेगा राइटर का नाम, और कहीं कहीं फुल नेम भी दिया हुआ रह सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। शांति प्रकाश प्रवल बाखला, तो प्रकाश प्रवल के लिए पीपी लिखा हुआ है। इनको कब लिखा गया था? 1962 में। उसके बाद सातवां बुक है हमारे पास इनेलंता, इसको किसने लिखा है? एग्नेस कुजूर जी ने, कब? 1962 में, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास बाहुई एंड द्रविडियन कमोरेटिव ग्रामर, इसको किसने लिखा था? एम बी एम ए नियोग, 1962, अजीब सा नाम है, प्रोनाउंस भी ठीक नहीं हो रहा है, पर याद रखना है आप लोगों को, है ना, एम ए नियोग, एम बी एम ए नियोग, कब लिखा गया था? 1962 में। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट आदिवासी जीवन और साहित्य, इसको किसने लिखा था? नारायण जहानाबादी, ये राइटर है, और किसको कब लिखा गया था? 1963 में। फिर नेक्स्ट हमारे पास खुड़ुक कथा हीरी, इसको किसने लिखा था? शांति पीपी बाखला, शांति प्रकाश प्रवल बाखला, है ना, 1964 में। अब नेक्स्ट हमारे पास आदिवासी और लड़का आंदोलन, इसको किसने लिखा था? बिहारी लकड़ा जी ने, कब? 1966 में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आदिवासी पहाड़ा दहरे, इसको किसने लिखा था? भीखराम भगत, कब? 1969 में। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट हमारे पास खुड़ुक हिंदी शब्दकोश, इसको किसने लिखा था?
श्रीमती स्वर्णलता प्रसाद जी ने कब, 1971 में। अब आगे चलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ खुड़ुक हिस्टोरिकल फोनोलॉजी, इसको किसने लिखा था, मार्टिन पी इफियर, कब, 1972 में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास सुधराना, इसको किसने लिखा था, जस्टिन एक्का जी ने, कब, 1972 में। अब फिर नेक्स्ट हमारे पास खुड़ुक कथा अरा डंडी, ये टेक्स्ट बुक लिखा गया था स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होने के लिए, तो ये जो आईए में कोर्स पढ़ाई होता है उसके लिए लिखा गया था, खुड़ुक कथा अरा डंडी, तो ये आईए वाला है, एक और बुक है जो बीए के लिए है, इसको किसने लिखा था, एंडमन टोप्पो, 1976 में। ठीक है, अब ये सेम बुक का टाइटल है, खुड़ुक कथा हिरी अरा डंडी, और ये लिखा गया था बीए के लिए, है ना, इसको किसने लिखा था, सेम राइटर है, एडमंड टोप्पो, 1976 में लिखा गया था। अब नेक्स्ट है अ फोनोलॉजी ऑफ घांगर खुड़ुक, ये बुक का नाम है, इसको किसने लिखा था, फेंट गॉर्डन ने, कब, 1976 में। अब नेक्स्ट हमारे पास हिंदी खुड़ुक शब्दकोश, इसको किसने लिखा था, श्रीमती स्वर्णलता प्रसाद जी ने, कब, 1977 में। अब नेक्स्ट है हमारे पास खुड़ुक कथा बिल्ली भाग एक, है ना, इसका एक और भाग है, तो इसको किसने लिखा था, पीसी बेक, 1978 में। तो इस वीडियो में 20 राइटर का दे रहा हूं मैं, 20-20 राइटर करके मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा तो कवर हो जाएगा, नहीं तो काफी लंबा वीडियो हो जाता है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, तो अगर आप लोग इसी तरह खुड़ुक का नया नया वीडियो पाना चाहते हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइएगा, तभी आप लोगों को मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अकेले अकेले मत पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी मदद मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।